अपने गमों को भुलाकर तो देखिए, बिना बात मुस्कुराकर तो देखिए, राहें खुद ब खुद आसान हो जाएंगी, उम्मीदों के चराग जलाकर तो देखिए। स्वागत है साथियों, यह जीवन बड़ा आसान है लेकिन अनजाने ही हम इसे बड़ा मुश्किल बना देते हैं। अभिनेता सुशांत सिंह के वाकये ने हम सभी के सामने एक प्रश्न चिन्ह लगा दिया है कि आखिर वह क्या वजह होगी कि उन्होंने यह फैसला लिया। आज हर कोई उस घटना से आहत है। रुपया, पैसा, शोहरत इंसान को सच्ची खुशी हरगिज नहीं दे सकते। चलिए एक छोटी सी कहानी सुनते हैं कि आखिर वह क्या चीज़ है जो हमें निराशा के गर्भ में डूबने से बचा सकती है। एक बार एक पिता अपने बच्चों के साथ सैर पर निकले। कुछ दूर चलते ही उन्होंने देखा कि एक पेड़ की बड़ी सी डाल रोड पर गिरकर रास्ते को ब्लॉक कर रही है। पापा कुछ कहते हैं इससे पहले ही बच्चों ने कहा, पापा क्या हम इसे हटा सकते हैं? पापा ने कहा, जरूर, अगर आप अपनी पूरी ताकत लगाओ तो जरूर कर लोगे। बच्चे सुनते ही खुशी से दौड़ पड़े और उस डाल के अलग अलग छोर पर मेहनत करने लगे उसे हटाने के लिए, और थोड़ी ही देर में हताश होकर लौटे कि यह हमसे नहीं होगा। पापा ने कहा, बच्चों अपनी पूरी ताकत लगाइए। बच्चे थोड़ी ही देर में खींच के साथ फिर से वापस आए और कहने लगे, पापा यह हमारे बस का नहीं है। पापा ने हंसकर कहा, मेरे प्यारे बच्चों मैं फिर से कहता हूँ, पूरी ताकत लगाइए। बच्चे रुआसे हो गए, कहने लगे, पापा आप देख रहे हैं, हम मेहनत करके ताकत लगा लगा कर पसीने से नहा गए हैं और आप बार बार यही कह रहे हैं कि पूरी ताकत लगाइए, हम कहाँ से ताकत लाएं? पापा ने दोनों को गले लगाया और कहा, मेरे प्यारे बच्चों तुम दोनों ने अपनी ताकत शुरू में ही बांट दी। तुम दोनों मिलकर यह काम बहुत आसानी से कर सकते थे। दूसरी बात कि जितनी ताकत लगाई वह आपकी व्यक्तिगत ताकत का इस्तेमाल किया है, वह आपकी पूरी ताकत का कुछ हिस्सा है। आप पूरी ताकत का इस्तेमाल तब करते जब आप मुझसे मदद मांगते। आप मुझसे कह सकते थे, पापा प्लीज़ हमारी हेल्प कीजिए। सुनते ही बच्चे पापा के बाहों में झूल गए और तीनों ने मिलकर पेड़ को हटाया और रास्ता साफ करके आगे बढ़ गए। साथियों, कई बार कड़ी मेहनत करने के बाद भी हम सफल नहीं होते, फ्रस्ट्रेट होते रहते हैं क्योंकि हम अकेले भिड़े रहते हैं और वह हासिल नहीं कर पाते हैं जो हम करना चाहते हैं। ना जाने वह कौन सी बात है जो हमें दूसरों की मदद लेने से रोकती है। साथियों, हम सामाजिक प्राणी हैं, हम मदद लें इससे हम कमजोर साबित नहीं होते, बल्कि यह हमारी समझदारी का प्रतीक है कि किसी के गुणों को सही समय पर, सही स्थान पर हम उपयोग करें। हमारी असली ताकत हमारे आसपास बिखरी होती है। इस ताकत का सदुपयोग करने और कराने का गुण हमें डेवलप करना चाहिए। यह मदद देना और लेने का गुण ही हमारी ताकत है और इस ताकत को अधिक बल देना चाहिए। मानवीय गुण हमारी असली ताकत है और सबसे सुंदर बात यह है कि जो ताकत लेता है उसकी ताकत तो पूरी होती है, लेकिन जो ताकत देता है उसकी ताकत दुगनी होती है। तो साथियों, मुझे आशा है आपको यह कहानी और इसका संदेश जरूर अच्छा लगा होगा, और हम जल्दी ही दूसरी कहानी लेकर फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।